ठीक का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बालाजी क्लासेस। तो 2 दिन के गैप के बाद आज दो क्या 3 4 दिन के गैप के बाद आज मैं फिर से आ गया हूँ लाइव क्लासेस लेने के लिए। जैसा कि सबको नोटिफिकेशन मिल ही चुका है कि इस बार नीट 2020 का एग्ज़ाम 13 सितंबर का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर दे दिया है तो कोई चेंज वगैरह नहीं होने जा रहा है। तो एकदम तैयार हो जाओ अपने नीट एग्जामिनेशंस के लिए। तो जो लोग सीरियस हैं वो लोग मेरे इस मिशन एंड स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को देखिए ताकि अरे मन कर हो जा भाई बंद हो जा। जो लोग सीरियसली हैं बच्चों तो आप लोग एकदम सीरियसली आके इसको देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ, कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। मैं एमसीक्यू करूँगा जिससे आपको एनसीईआरटी से जो भी रिलेटेड क्वेरीज है या क्वेश्चंस है वो आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन आ गया है लाइव क्लासेस में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दो जला फटाफट। तो टोटल मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं और चैट भी मैं अब दिखा सकता हूँ इस तरह से। हाँ, 13 सितंबर को 100% श्योर कर दिया गया, लेकिन ये कोई 100% नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़े तो ऐसा भी सिचुएशन है, बट पॉसिबली है कि 99% हो ही जाएगा आपका 13 सितंबर को एग्जाम्स। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए बच्चों। एनीवे मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं बच्चों, मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से मैं 2 3 दिन से लाइव सेशन में क्वेश्चन कर नहीं पा रहा था। जैसा कि देख सकते हो मेरा सिचुएशन। ठीक है, और बड़ा हिम्मत करके आज मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था काफ़ी अच्छा था और बड़ा मज़ा आया। ठीक है, नए तरीके से वीडियो बनाने का अपना ही एक मज़ा है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सबको मेरे तरफ से, गुड इवनिंग। सब लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्लस आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा कर क्वेश्चंस करके। काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, उन सबको करेंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग वर्ड का पार्ट 3rd है और लास्ट सेक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पूरा लिविंग वर्ड्स का एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर चुके हैं और बाकी जो बचा आज हम लोग इसको कर लेंगे। इसमें 2021 का डेट नहीं आया है विनोद, तुमको ऐसे भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, छुप के रहो चुपचाप। चलो क्वेश्चन है 71, इसका जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ध्यान में रखना, देखो मैंने इसे अंडरलाइन करे अबाउट द की। तो लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन आए थे टैक्सोनॉमिकल की से, तो मैंने समझाया था कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर्टिफिशियल थिंग है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिमेंस, जो भी हम लोगों ने नया डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। तो हमें ये बताना 71 का क्या हो जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। इसमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं एक एक करके पढ़ता चला जाता हूँ। द की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्लांट एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। ठीक ही लग रहा है, चलो लेकिन ऑप्शन है कि नहीं बाद में देखते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल की आर यूज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी, तो बिल्कुल बकवास। की आर द जनरली एनालिटिकल इन नेचर्स, एनालिटिकल जनरली एनालिटिकल हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज इन द नॉमिनिक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज, नॉमिनिक्लेचर ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा ये पहला वाला सही है। टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, दैट इज फर्स्ट वन हो जाएगा आंसर इसमें से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज यूज टू अकॉर्डिंग टू सॉरी फॉर रिकॉर्डिंग द डिस्क्रिप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब जैसे डाटा टाइप वाइप करके लिख ला के जैसे रखा जाता है उसमें क्या हो जाएगा।
ओके ओके ओके, अरे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, सही बोला, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था ना, तो यही तो इनकरेक्ट है, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला है जांच, मैं भूल ही गया था कि ऊपर क्या था, तो इसलिए इसको ऐसे हाईलाइट करके रखना है, ठीक है, चलो चलो ठीक है। यहाँ पे बोला है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के लिए क्या हो जाएगा, फ्लोरा है या मैनुअल है या मोनोग्राफ है या कैटलॉग है, क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें बताना है। 72 का डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोले ऑल, तो फ्लोरा हो या मैनुअल हो या मोनोग्राम कैटलॉग, इसमें क्या है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शंस अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चंस, तो फ्लोरा कंटेन इंफॉर्मेशंस अबाउट द हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ, हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 73 में बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एनिमल इन ए गिवेन एरिया या प्लांट इन ए गिवेन एरिया, सम ऑफ सम यूजफुल प्लांट एंड एनिमल्स इन एरिया, सम यूजफुल एनिमल इन ए गिवेन एरिया, क्वेश्चन नंबर है 73 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी कोई नहीं बोला इसमें। राम परवेश चंद्रा इधर, गुड इवनिंग फॉर यू, कैसे हो विनोद, 73 का बी बोला है, इजाज भी बोला है 73 का बी हो जाएगा, बी ओके। एनी अदर, अंकिता भी बोले बी, अंकिता घबराना नहीं है, ठीक है ना, मेहनत करना अच्छे से कर लेना है, एजाज बढ़िया, चलो 70 सब लोग बी बोल रहे हैं, बी हो जाएगा इसमें। देख फ्लोरा जो है ना ये प्लांट के लिए होता है एक पर्टिकुलर गिवेन एरिया में, ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्ट इस तरह से डेफिनेशन याद कर लेना है, एनसीटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट, 74 ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखा हुआ है तुम्हारा, जीनस के बारे में, स्पेसिस के बारे में, फैमिली के बारे में, या एनी ऑन द एनी वन टैक्सोन्स के बारे में, क्या किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना है, ठीक है, जल्दी बताना है। 74, 74 का इजाज बोला है डी, रिजुल भी बोला है दो, अंकिता चार, डी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है, डी 74 का डी बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे बच्चों, एकदम सही बोल रहे। एनी वन टैक्सॉन्स के बारे में, एनी वन टैक्सॉन्स एक पर्टिकुलर टैक्सॉन्स के बारे में बात करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, आई बात समझ में, एनी वन टैक्सॉन्स, अब वो चाहे किसी स्पेसिस के बारे में बात किया जा रहा हो या फैमिली के बारे में या जीनस के बारे में, किसी एक टैक्सॉन्स के बारे में बात किया जा रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन है मैनुअल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन, मैनुअल किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है ये हमें बताना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ जाओ। तो यहाँ पे पहला है हैबिटाट या डिस्ट्रीब्यूशन या एनिमल्स इन ए गिवेन एरिया, या हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवेन एरिया, आइडेंटिफिकेशन एंड मीन ऑफ द स्पीसीज इन ए गिवेन एरिया, 75 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग, या हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम यूजफुल एनिमल्स इन ए गिवेन एरिया, मैनुअल के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैनुअल के बारे में बताना है। 75 का सी बोल रहा है सब लोग, सेवेंटी फाइव का सी, ओके 75 का सी बोल रहे हैं, 75 का सी बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों। देख मैनुअल जो होता है ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसका, आइडेंटिफिकेशन एंड नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन द गिवन पर्टिकुलर एरिया, उसमें के लिए यूज किया जाता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ठीक है, तो याद रखना है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं 76 नंबर है लाइव स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, ध्यान रखना लाइव स्पेसिमेंस की बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, ठीक है, लाइव स्पेसिमेंस के बारे में डिस्कस करें। अब ये हर्बेरिया, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन या ऑल ऑफ दीज क्या हो सकता है ये हमें बताना है, यहाँ पे सोच समझ के बताना है बच्चों, थोड़ा ध्यान से बताना है कि क्या हो सकता है। 76 नंबर, 76 में एजाज बोल रहा है सी, दैट इज जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन, अंकिता, विनोद और कोई
अब टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। अगर 13 सितंबर को एग्जाम होता है तो आज है 17 अगस्त, मतलब कुल मिला के 1 महीना भी नहीं है ना, सितंबर, अगस्त सितंबर आ जाएगा, है ना, 1 महीना भी नहीं है टोटल। ठीक है, तो एकदम जी जान से लग जाओ। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई लेजीपन नहीं चलेगा, आपको एकदम करना और मरने वाले सिचुएशन में आ जाना है। जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा, क्योंकि देख जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स रखा जाता है और बॉटनिकल गार्डन्स में वाइल्ड प्लांट्स को रखा जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है, ठीक है ना। चलो 77 में आ जाते हैं। द नेम ऑफ प्लांट रिटेन ऑन द हर्बेरियम शीट इज इट्स द नेम ऑफ प्लांट रिटेन ऑन हर्बेरियम शीट इज इट्स क्या होता है तुम्हारा? इंग्लिश नेम होता है, या लोकल नेम होता है, या बॉटनिकल नेम होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? हर्बेरियम शीट के ऊपर, हर्बेरियम शीट जो होता है ना, उसमें पूछ रहा है कि जो लेबलिंग करते हैं उसमें किस प्लांट का जो नाम के बारे में ध्यान में रखना। नेम ऑफ द प्लांट रिटेन ऑन हर्बेरियम शीट इज इट्स, किस चीज का नाम रखा जाता है तुम्हारा इसमें? इसमें जवाब दिया है सबसे पहले इजाज ने, सी बोल रहा है, विनोद डी बोल रहा है, रिजुल भी डी बोल रहा है, जीतू प्रसाद शर्मा डी, ऋषा कश्यप, अरे क्या बोल रहा है। इंग्लिश नेम जो है ना, इसमें 77s में ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश नेम भी लिखा रहता है, लोकल नेम भी लिखा रहता है, और बॉटनिकल। इसके अलावा और भी अदर इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कलेक्टर का नेम, प्लेस, डेट, ये सब भी लिखी हुई रहती है। चलो क्वेश्चन हमारा है 78। एन बी आर इज सिचुएटेड एट, एन बी आर आई, ठीक है ना, एन बी आर आई कहाँ पे है? कलकत्ता में, लखनऊ में, दिल्ली में, जोधपुर में, वेयर इज दैट प्लेस? एन बी आर आई कहाँ पे है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो दैट्स, आई होप बच्चों पता ही होगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। 78 का हो जाएगा तुम्हारा एजाज बी, मैं विनोद का गलत हो गया, बी विनोद गलत, ये है लखनऊ में भी है, लखनऊ बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, NBRI लखनऊ में सिचुएटेड है। 78 का हो जाएगा बी, ठीक है, लखनऊ में है। फुल फॉर्म बता दिया तो क्या दिक्कत है, कलकत्ता में कुछ और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी? टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए इनमें से प्राइम सोर्स कौन सा है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, या नॉमिक नेचर, या कैरेक्टराइजेशन, या आइडेंटिफिकेशंस, क्या हो जाएगा इसमें से हमें बताना है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला हुआ है, फटाफट जो मन करे कमेंट कर दो, जो भी आंसर आता हो कमेंट कर देना, बैठना नहीं है, एक्टिवली क्वेश्चंस को पढ़ना है और जवाब देना है। देखो ये स्पॉलिंग फॉलिंग से हम लोग बचे हुए हैं, ठीक है ना, पॉलिंग वॉलिंग से रैंक पता चलता है, तो वहाँ पे एक सुपीरिटीज और इंपेरिटीज का है भेदभाव, बट यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। हु इज द सुपीरियर? नो वन नो, ठीक है, यहाँ पे जवाब देना है, अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। 79 का ए भी वो अंकिता बोल रही, ए एजाज बोल रहा, ए तहमीदा, और एक कोई सी बोला, विनोद एम मुन एम, सी सी तो नहीं होगा इसमें। 79 का हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। सबसे प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी जो होता है, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स जो है ना, वो है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज मैटर होता है, तो दैट इज ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 80। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस फॉर आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन ए एरिया? कौन बताएगा? कौन मतलब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ बे, मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मोनोग्राम बताएगा, कि कैटलॉग बताएगा, कि मैनुअल बताएगा, या पीरियोडिकल, पता नहीं पीरियोडिकल्स कौन बताएगा इसमें से? ऋषा कश्यप। 78 9 का हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग आ चुके हैं, कौन बताएगा जल्दी बताओ,
अस्सी का बोला है, एजाज बी दैट इज मैनुअल बोला है, और किसी की राय मुन इम वो भी बोले, ये बोले, सब गलत बोले ये। कौन है ये मुन इम? MUN मुन इम, ये कौन है बे? सॉरी कौन है भाई, ये कौन है? अपना रियल नेम लिखो, क्या नाम है, तो थोड़ा मुझे बोलने में अच्छा लगेगा और तुम्हें भी सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है? किसी भी इंसान का नाम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसे सबसे ज़्यादा अपने नाम से प्यार होता है। इसीलिए देखते हो नाम के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं लोग, है ना, खून कर देते हैं, नीचा दिखाते हैं एक दूसरे को अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, और तुम यहाँ पे नाम छुपा के बैठे हो। मैनुअल ही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। 81 आ जाते हैं। 81 में सेलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर से गलती ना हो इसलिए मैं इसको गोला कर देता हूँ, स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग्स। इसमें से चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुन इन। अच्छा देखो, नाम है इनका मुनीम, मुनीम। ओके 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 मुनीम, ओके दैट्स गुड साउंड, लाइक गुड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब भी देते रहना है, क्वेश्चन नंबर 80 का जवाब भी देते रहना है। 81 सॉरी 81 81 81 81 क्वेश्चंस, कोई जवाब नहीं दिया है। इट्स अ लूसीफर, H1 का डी है, डी है, डी है, और है लीना। क्या खबर है लीना, पढ़ाई आज से शुरू किया क्या, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद? नहीं, कौन कौन आज एकदम एक्टिव मोड में आ गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, और इससे पहले सब सोए हुए थे? कमेंट करके बताना तुम लोग, ठीक है ना। आज 17 अगस्त, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कौन कौन एक्टिव हुआ है पढ़ाई में, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है। 81 का डी आंसर बोल रहे हैं सभी लोग, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें इनकरेक्ट है, देख, अर्नेस्ट मेयर नेम द टाइटल ऑफ द इस पब्लिकेशन है सिस्टमा नेचुरा। ये सिस्टमा नेचुरा तो लीनियस का है, ठीक है ना। 82 में आ जाते हैं, द प्लेस वेयर वी स्टोर ड्राई प्लांट फॉर आर इंफॉर्मेशन पर्पज इज कॉल्ड ड्राई प्लांट। ध्यान रखना, की है, मोनोग्राम है, म्यूजियम है, हर्बेरियम है, कहाँ रखते हैं हम लोग इसको? ओके राम प्रसाद, राम प्रवीण चंद्रा जी एक्टिव हुए हैं, विनोद। अरे 21 वाले तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हाँ एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, एक्टिव मोड में ही रहना है अब तो। 82 का डी बोल रहे हैं सभी लोग, हर्बेरियम। गलत बोल रहे हैं, डी वाले, आंसर है बी 82। अरे ड्राई प्लांट, कंप्रेस्ड तो नहीं बोला ना, कंप्रेस्ड ड्राई प्लांट बोला है ना, कंप्रेस्ड। तो अगर मान ले कोई बड़ा सा प्लांट है तो उसमें इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग म्यूजियम में रख सकते हैं, ठीक है। हर्बेरियम भी हो सकता है, लेकिन हर्बेरियम में इसको एकदम क्लियर कट करना चाहिए था, ड्राई कंप्रेस्ड। मान ले जैसे कोई प्लांट का मोटा सा स्टेम है, अब वो तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग हर्बेरियम में तो रखेंगे नहीं, कहाँ रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे। तो इसलिए आंसर हो जाएगा म्यूजियम, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओल्ड मैन 82 का डी बोला है भी। चलो बाकी तुम लोग होशियार हो, मुझसे ज़्यादा होशियार हो, तुम लोग कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाल लोगे और समझ जाओगे। चलो 83 का आ जाओ, हर्बेरियम शीट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, किस चीज का इंफॉर्मेशन बताता है? कलेक्टर का नेम का मतलब जो उसको कलेक्ट करेगा, फैमिली ऑफ द प्लांट, लोकल इंग्लिश और बॉटिकल नेम, या ऑल ऑफ द इज। अब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि जस्ट इससे पहले एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और उसमें पता चल रहा था कि क्या होगा, ठीक है ना। तो एकदम जो जान लगाओ के क्वेश्चन करते रहना है बच्चों, छोड़ना नहीं है फोड़ना है, छोड़ना नहीं है फोड़ना है क्वेश्चंस के लिए, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द एवब हो जाएगा, बिल्कुल सही है तुम्हारा इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ द एवब, कलेक्टर का नाम, सबका नाम लिखा रहता है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 84 नंबर है, सेलेक्ट करना है हम लोगों को यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कहाँ से करेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट इस बार हम लोगों को स्टेटमेंट करना है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार स्टेटमेंट है और इसमें ये ऑप्शन इधर है, देख लो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को ही ऑप्शन बना के आंसर दे देना, तो जल्दीबाजी में यही करते हो ना, मुझे पता है। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट पढ़ना है। अब इसमें से देखो, यहाँ पे करेक्ट करेक्ट तो मतलब इसमें से कोई दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें सर कितने बजे लाइव स्टार्ट होता है? मैं डेली 6 से 7 आता हूँ, एक्सेप्ट फ्राइडे, फ्राइडे को छोड़ के बाकी हर दिन, ठीक है ना। मैंने 6 डे मैं क्लास लेता हूँ पूरा, शाम को 6 से 7 लाइव सेशन चलता है। और उसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसका नाम है मिशन एनसीईआरटी, और आउट ऑफ एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन अगर करना होता है तो हम लोग मिशन 360, आउट ऑफ 360 करते हैं। तो देख लेना कौन सा चल रहा है। अगर मिशन एनसीईआरटी चल रहा है तो मतलब 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। और अगर मान लो मिशन नहीं, मिशन 360 चल रहा है आउट ऑफ 360, तो दैट मीन्स हर तरह के मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 84 का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए हो जाएगा, दैट इज ये वाला ए और बी करेक्ट है, ठीक है ना। ए और बी कैसे, देखो, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंट्रीज देयर बॉडीज, ठीक है। और ये देखिए फैमिली लिखा है तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनिमल, ये भी ऐसे ही गलत दिख रहा है। तो आंसर इसमें ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 85 नंबर में स्टराइल म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाई द मेटिंग बिटवीन, म्यूल ध्यान रखना है, MULE, म्यूल। एक होता है हीनिंग, डबल NY है हीनिंग। तो इसमें ध्यान रखना है कि हीनिंग में मेल हॉर्स को फीमेल डंकी के साथ क्रॉस करते हैं, तो म्यूल में इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मेल डंकी को क्रॉस करना है फीमेल हॉर्स के साथ, ठीक है, फीमेल हॉर्स के साथ। तो इसमें आंसर हो जाएगा, क्या बोला है एजाज सर, इफ पॉसिबल प्लीज डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 1 आवर। अरे यार देख, यहाँ पे बैठ के मैं तो कोई टाइम पास करता नहीं हूँ, जितना भी क्वेश्चन होता है तो मैं 1 घंटे में एटलीस्ट टारगेट रहता है कि 40 क्वेश्चन कर दो, मैं 45-50 क्वेश्चन भी मेरे पास रहता है, बट उतना कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। अरे ये कह सकता हूँ कि मैं एक दिन में एक से ज़्यादा सेशन ले लूँ, ठीक है, ये हो सकता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम के 1 महीने बचे हुए तो मुझे ज़्यादा क्लासेस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ, और तुम लोगों का प्रमोशन रहा, मतलब अगर तुम लोग लाइक करोगे मुझे अच्छे से, ठीक है, वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है, तो मुझे भी इस तरह से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो इसमें क्या हो जाएगा, 85 में आंसर हो जाएगा बच्चों सी, आंसर हो जाएगा। देखो बोला ना इसमें ए, 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 हमें देखना है मेल डंकी, यहाँ पे सब उल्टा लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी ना, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, ये हो जाएगा, है ना, म्यूल। तो आंसर है आपका बी, आंसर हो जाएगा। तुम लोग क्या बोल रहे थे तब से, अच्छा बी ही बोल रहे थे, ठीक है, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। अब आ जाते 86 नंबर है, मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी, मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी, तो इसको क्या बोलते हैं, हिनी अभी तो जस्ट बताई दिया, तो मतलब 86 नंबर भी क्वेश्चंस हो गया, शेयर करूंगा, बिल्कुल करना है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द 87 नंबर में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द स्पेसिस। चलो बच्चों, आप लोगों में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को जरूर हिट करिएगा, ताकि जब भी लाइव सेशन हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाए, ताकि आप मेरे लाइव क्लासेस का लुत्फ़ उठा सके, मजे ले सके, पढ़ सके और अच्छे से मेहनत कर सके। और अगर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टूडेंट का हेल्प करना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। अगर खराब लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो 87 नंबर क्वेश्चन में है हम लोगों का, सब लोग बोल रहे हैं बी और डी, बी और डी, क्या बात है भाई, डी मैक्सिमम लोगों ने डी बोला है।
87 का मैक्सिमम डी, और डी ही ज्यादा सही है तुम्हारा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन फ्लोरा की और मोनोग्राम सबको यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, इसमें क्लासिफाइड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, ईजिली आइडेंटिफाई जो है, हेल्प इन द नोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप, हेल्प इन द किसमें स्टडी ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली, क्या हो जाएगा इसमें तुम ही लोग बताओ, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। चलो सब लोग एक्टिव मोड में ही रहा करो, अब एक महीने से कम समय है, ठीक है, पढ़ना अच्छे से है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, रिविजन करना है, मतलब मई से इंतजार करते, मई क्या मतलब फरवरी मार्च में ही पता चल गया था एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगा, अप्रैल में मान लो कन्फर्म हो गया होगा, तो अप्रैल से लेके अभी तक तुम लोगों के बॉडी में जंग लग गया होगा, है ना, तो थोड़ा मेहनत करो, अच्छे से करो, ठीक है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फिनिश कर दिया, तो उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना, तो उसका इंतजार नहीं करना, ढूंढ लेना तुम लोग मिशन एनसीईआरटी, मिशन एनसीईआरटी ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा उसमें, जैसे मिशन एनसीईआरटी करोगे तो यही वीडियो देखेगा और कोई कुछ नहीं दिखने वाला है। 88 का सी हो जाएगा, 88 का सी हो जाएगा तुम्हारा, बोल रहा है, अच्छा तुम्हारे हिसाब से, चलो देखते हैं 88 का, ठीक है। चलो देखो इसमें बोला ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, इसमें है इजीली आइडेंटिफिकेशन, हेल्प इन द नोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, हेल्प इन द स्टडी ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और टू स्टडी द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली, इंडिविजुअली तो नहीं होगा, हेल्पिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल, इंडिविजुअली ना करना पड़े इसलिए तो हम तो क्लासीफाई कर रहे हैं ना, हेल्पिंग द रिलेशनशिप, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, हो जाएगा सी ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है 88 का सी ही हो जाएगा, सी ही बोल रहे थे तुम लोग सब लोग, ओके ठीक है, सी ही बोल रहे थे, हाँ तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, 89, ठीक है ना, हाउस फ्लाई बिलोंग टू द क्लास, हाउस फ्लाई बिलोंग टू द क्लास, ठीक है, इसमें बताना है हम लोगों को कि हाउस फ्लाई किस क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है ना, डिप्थीरिया है, मस्किटा है, अर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से बता सकते हो, लिविंग वर्ड्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इंसेक्टा हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, डायप्थेरिया इसका ऑर्डर होता है, ऑर्थोपोडा फाइलम होता है, और ये मस्किडा इसका, मस्किडा इसका शायद फैमिली होता है समथिंग, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देखो मैंने इसको वो कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है तुम्हारा, ठीक है, 89 का डी, मतलब स्लो चला गया क्या पे तुम लोगों के पास, 89 का डी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो फॉल्स रिगार्डिंग द की, की के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है, दे आर द एनालिटिकल नेम हो गया, इच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड लीड्स, सही लग रहा है ये तो, और उसके बाद है तुम्हारा टू टाइप ऑफ की आर कॉमनली यूज सच एज इंडेडेड और यॉर्क एंड ब्रैकेट, ये बिल्कुल गलत है, 90 नहीं 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 पता नहीं। उसके बाद है सेम टैक्सोनॉमिक की आर यूज्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक फैमिली जीनस एंड स्पीसीज, टू टाइप ऑफ की कॉमनली यूज्ड, ये तो ठीक ही लग रहा है, यूज्ड आर इन सच एज इंडेडेड और यॉर्क्ड एंड ब्रैकेट, ब्रैकेटेड यॉर्क्ड एंड ब्रैकेटेड, अच्छा चलो ये तो लिख सकते हैं, सही लग रहा है, ईच स्टेटमेंट तुम लोग बोलो, मैं जल्दी से बोलो, 90 का सी बोल रहा है, सब लोग सी बोल रहा है, पीछे स्टेटमेंट आ रही है तो ठीक ही है, एनालिटिकल होता है ये भी ठीक ही है, अच्छा ठीक ही है, हाँ सही बोल रहे हैं, ये सी ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा बे, इसमें ये समझे में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, तो ये मुझे भी लग रहा है, और बाकी जो भी टैक्सोनॉमिकल की जैसे भी हम लोग जो भी बना रखे हैं, तो अब वो चाहे तुम्हें जीनस को डिफरेंशिएट करना है, स्पेसिस को आइडेंटिफाई करना है, फैमिली को, तो हमें टैक्सोनॉमिकल की तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो इस वजह से ये ठीक लग रहा है, सही है आंसर डी, सी हो जाएगा इसमें, क्यों एजाज क्यों लग रहा है ऐसा बताओ, चलो एजाज को लग रहा है डी है तो क्यों लग रहा है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैं भी उस पर फोकस करूंगा इसमें, मैं तो इसमें दे रहा हूँ क्योंकि सी मुझे समझ में नहीं आया इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 91 नंबर, ये तो फुल फॉर्म बताना है, कोड फॉर नॉमिनिक्लेचर्स के लिए क्या हो सकता है इसमें, आई सी
जेड एन आई सी बी एन आई सी बी ए एन, तो ये बैक्टीरिया है, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा इसमें, चलो बताओ। नहीं है जाच, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थोड़ा एनसीईआरटी में मैच करा लेना, देखना क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा 91 का, हो जाएगा ऑल ऑफ द एवब। यहाँ पे ऑल ऑफ द एवब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डी देख, यहाँ पे ये भी जूलॉजिकल नॉमिनिक्लेचर, बॉटनिकल, ये बैक्टीरियल नॉमिनिक्लेचर, तीनों हो जाएगा, तो दैट्स वाई इसमें मैंने डी आंसर ले लिया है तुम्हारा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 92 नंबर में, तो 92 नंबर में बोला था ऑर्गेनिज्म आर थर्मोडाइनेमिकली। ये देखो ये सब एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन दिमाग खोलने वाले सब क्वेश्चन है। इसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, या नेम ऑफ दीज क्या हो जाएगा तुम्हारे इसमें। क्या हो सकता है तुम्हारा इसमें, जल्दी से बताना है। जल्दी बताओ बच्चों, क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें से, क्या हो सकता है। नाइन्टी टू का सबसे पहले जवाब दिया है तुम्हारा विनोद ने, सी बोल रहा है, आइसोलेटेड। राम परवेश चंद्रा 92 का बी, एजाज भी ए बोल रहा है, और ये जीतू प्रसाद शर्मा सी बोल रहे हैं। इसमें ओपन सिस्टम होता है भाई, ये केमिस्ट्री थोड़ा लगाओगे तो बन जाएगा, ओपन सिस्टम होता है। थर्मोडायनेमिकली ऑर्गेनिज्म जो होता है ओपन सिस्टम होता है, और रीजन इसमें थोड़ा केमिस्ट्री है बच्चों, तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। 93 में आ जाते हैं, फेलिस फैमिली जो है फेलिडिया एंड कैनेडा आज इंक्लूड इन द ऑर्डर। एनसीडी का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। 93 में हो जाएगा आपका कार्निवोरा, बोथ इसमें क्या होगा, कार्निवोरा, कैनेडीज हो गया और फेलिस हो गया तुम्हारा, ये कैट वाला फैमिलीज, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कार्निवोरा, इसमें दोनों के दोनों आ सकता है। अगर बच्चों आपको लिविंग वर्ड्स के वीडियो देखने हैं तो आप एक अल्फा सीरीज है उसमें जाके देख लेना, बड़ा मस्त डायग्राम वगैरह के साथ समझाया हुआ है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आया बच्चों तो उसमें जरूर कमेंट करके बताना कि वो वीडियो कैसा था। ठीक है, 94 में आ जाते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड, ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड्स। चाहे तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो का लिंक, तुम लोग वहाँ से भी देख सकते हो। द ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड मंकी, गोरिल्ला, जिबन्स, या ऑल ऑफ दीज क्या हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये तो सिंपल है। प्राइमेट्स में क्या हो जाएगा, जितने आ जाएगा सब आ जाएगा, मंकी, जिबन्स और गोरिल्लास आ जाएगा प्राइमेट्स, ये सबके सब प्राइमेट्स में कंसिडर किए जा सकते हैं तुम्हारा। ठीक है, देखो कौन कौन बोला है 95 में, अभी तो 94 ही चल रहा है। इसमें आ जाते हैं, 95 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, इसमें इनकरेक्ट इस बार हम लोग को सेलेक्ट करना है। ओनली ऑर्डर देखना ध्यान से, पॉली नॉमियल ऑर्डर, पॉलिनोमियल इंक्लूड द फैमिली कन्वलियसिस एंड सोलानेसिस। क्लास मेमेलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेट्स एंड कार्निवोरा। फैमिली सोलानेसिस इंक्लूड जीनस सोलेनम पिचेनिया धतूरा। फैमिली होमेडियंस इंक्लूड प्राइमेट्स। ठीक है, ये हम लोग को इसमें से इनकरेक्ट सर्च करना है 95 नंबर क्वेश्चंस में, 95 नंबर क्वेश्चंस में। तो ये तुम लोग पहले जवाब दोगे तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा 95 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। नाइन्टी फाइव का रामचंद्र ने बोला है, 95 का ए, जमील भी 95 का बी, सी भी बोल रहे हैं, ए बी सी सब आ गया, चलो क्या बात है। 95 का आंसर है डी है। देख, फैमिली होमेडेंस इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेट्स बोल रहा है इसमें। अरे ऑर्डर तो यही है ना, होमेडेंस ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चेक करना क्या है तुम्हारा। ठीक है,
क्लियर है? 95 का सी भी बोल रहा है तुम लोग। एक मिनट सोचने दो मुझे, सोचने दो। नहीं, मैं एनसीईआरटी खोल के मैं तुम लोगों को सीधे बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी के लिए देख लिया जाए, सीधे सीधे देखो। चौथा ऑप्शन में सक है, फैमिली है, होमेडियंस ठीक लिखा हुआ है, ऑर्डर प्राइमेट्स, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद ये भी सही है, इनकरेक्ट बोला है अभी, इनकरेक्ट ध्यान में रखना। सोलेनम, फैमिली सोलेनेसिस जो होता है, सोलेनेसी, ठीक है, इंक्लूड सोलेनम, प्यूटेनिया, धतूरा, ये भी तो ठीक ही है। मैमेलिया कार्निवोरा, ऑर्डर है प्राइमेट्स है, ठीक ही है, एंड कार्निवोरा। इसमें ऑर्डर है पॉलीमोनेलिस, ऑर्डर है पॉलीमोनेलिस सी, ऑर्डर पॉलीमोनेलिस इंक्लूड फैमिली कॉन्वलेसिस एंड सोलेनेसिस, ये भी सही है यार। कौन सा गलत है बे? सी, एजाज क्या बोल रहा है? एजाज सी बोल रहा है। अच्छा सी, फिर से मैं देखता हूँ। सोलानेसी इंक्लूड जीनस, ओ हो, हाँ हाँ ठीक ही बोल रहा है। सी इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है इसमें। यहाँ पे ये की पोर्ट क्ले और फैमिली गेट शिक, ठीक है, जीनस, ये जीनस नहीं है भाई, सोलानेसिस, सोलेनम नहीं, सोलेने सोलेनम तो जीनस ठीक है, इंक्लूड जीनस। अच्छा ये इंक्लूड है फैमिली सोलेनेसिस। अच्छा स्पेलिंग कुछ सोलेनम सोलानेसिस, अच्छा ठीक है तुम लोग चेक कर लेना, ये सी ही गड़बड़ है, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा था। सब सही है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 96 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन इज फॉल्स अबाउट द वीट, फॉल्स के बारे में यहाँ से कौन सा ओपिनियंस गलत है, 96 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, फॉल्स अबाउट द वीट के बारे में, ठीक है। तो वीट के बारे में उसी में दे रखा है, उसी वाले टेबल में, पेज नंबर 111 पेज पे है, ठीक है, वीट, ठीक है। चलो तुम लोग बोलते जाओ, मैं इसमें बोलता चला जाता हूँ। देख बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिबम, तो ट्रिटिकम एस्टिबम भी याद रखना, आगे काम आएगा। उसके बाद जीनस है ट्रिटिकम, जीनस ट्रिटिकम ठीक ही है, स्पेलिंग भी चेक करते रहते हैं। ऑर्डर 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 ये वाला गलत है, ऑर्डर ये फैमिली होता है, सॉरी जीनस होता है, ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है। मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा 96 का बी आंसर हो जाएगा, और ये क्लास मोनोकोटिलेडोनरी और डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 97 नंबर क्वेश्चंस। 97 नंबर क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ 4 ए टू डे, और ऑप्शन ये रहा तुम्हारा गिवन बिलो, और इसमें से 2 करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना हम लोग को इसमें से, तो 97 का बताना है, ठीक ही बोल रहे थे तुम लोग बच्चों, सभी लोग ठीक बोल रहे थे, 96 का बी है। अच्छा नीट जे जे एडमिट कार्ड, जे डबल का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है, ठीक है, मतलब पहले से गवर्नमेंट का प्लानिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता बेचारा। चलो जल्दी बताओ 97 नंबर क्वेश्चंस में, 97 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो भी डाउटफुल हो उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसको अच्छे से एनसीईआरटी में डिस्कवरी कर लेना, ठीक है। अगर मेरा आंसर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना कि गलत था आंसर, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या सही था क्या गलत था, ठीक है। क्लियर है? देखो मिजनौर मीर आज एक्टिव मोड में आ चुका है, तो आज से लगता है पढ़ाई स्टार्ट किया है, पढ़ तो रहा है, एक्सेप्ट फालतू में कुछ गिरी करते रहते हैं। चलो कोई नहीं, 97 का सी हो जाएगा, सी मतलब ये वाला हो गया, नहीं भाई सी मतलब ए और बी सही है, 97 का सी। देखते हैं, ए मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर अराइजेस एज अ रिजल्ट इन द इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, बिल्कुल सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, ये भी सही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडीज इज डिफाइनिंग फीचर है ऑफ द फॉर्म्स, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है तुम्हारा इसमें, ठीक है, बाकी ये सब गड़बड़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 98 नंबर है।
नेशनल प्लांट ऑफ इंडिया, कोई दिमाग मत लगा वही बोल देता, बनियान है ठीक है, फाइकस रिलिजियोसा। नेक्स्ट आ जाते हैं 99 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर एसएस, एसएस मतलब गधा होता है डंकी, और डंकी जो है ये घोड़े वाले ऑर्डर वगैरह से हो सकता है बिलोंग करेगा तुम्हारे इसमें, है ना। 99 नंबर क्वेश्चंस, तो 99 नंबर क्वेश्चंस में तुम्हारा ऑर्डर जो पूछ रहा है ऑर्डर हो जाएगा इसमें। चलो 99 तुम्हें लोग बोलो तो फिर मैं बोलूंगा इसमें 99 नंबर क्वेश्चंस। 98 का कोई दिमाग मत लगाओ, 99 में आ जाओ जल्दी से। नाइन्टी नाइन नंबर में ठीक है, 99 का बी इक्वेडी ना 99। अरे ऑर्डर पूछ रहा है भाई, ध्यान रखना है कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक ठीक है, ऑर्डर मतलब ये वाला पूछ रहा है। इक्वेना शायद फैमिली है, तो इसमें क्लास के बाद होता है ऑर्डर, और ऑर्डर है प्रेशियो डेक्टाइलियास होता है तुम्हारा। 99 का हो जाएगा सी हो जाएगा। देखो राम परवेश चंद्र ने बिल्कुल सही जवाब दिया है तुम्हारा, और बाकी लोग सब ऐसे बी बोले, दिमाग नहीं लगाते ना। चलो 99 के बाद आ जाते 100, द टर्म्स फाइलम्स गिवेन बाय, ये भी तुम लोग गलत करोगे आई एम डैम श्योर। चलो बताओ, चलो 99 के बाद है 100 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो ठीक है, तो ध्यान देना इसमें क्या हो सकता है। 99 99 क्वेश्चंस में जल्दी बताओ बच्चों। मेरा ये लाइव क्लासेस डेली 6 से 7 चलता है, तो अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लाइव क्लासेस के लिए नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, बेल आइकन दबा देना तब नोटिफिकेशन मिलता है, अदरवाइज नहीं आएगा ठीक है। 100 का ए बोल रहा है, एकदम बिल्कुल सही बोला है विनोद, बी नहीं होगा ठीक है ना। क्यूवियर देख, लिनियस ने ओनली 4 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को क्रिएट किया था, बाद में क्रूवेंस ने उसमें और 2 जोड़े थे, तो ये हो जाएगा आंसर 100 का ए हो जाएगा ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 101, लिनियस इज क्रेडिटेड विद द, क्रेडिटेड किस चीज के लिए लिनियस को हम लोग क्रेडिट देते हैं, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जल्दी बताओ, 99 का हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 101 का हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के लिए जाने जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, 102 नंबर है, तो इसमें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ट है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो है वो किस चीज पे बेस्ट है ये हमें बताना है ठीक है। तो इसमें है यूटिलाइजेशन, यूटिलिटरी लिटरियन सिस्टम, यूटिलिटेरियन सिस्टम्स, हैबिट्स, ओवरऑल सिमिलरिटीज, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो 102 का हो जाएगा, सही बोला है, ओवरऑल कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट जो होता है मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन ठीक है। 103 नंबर में, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इस तरह का क्वेश्चन आगे थोड़ा सा मिला था, उसके हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं क्या होगा तुम्हारा इसमें ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टू द, किसके बेसिस पे हम लोग बन सकते हैं। 103 नंबर है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मैंने एन ऑप्शन में, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेस ऑफ इवोल्यूशनरी डेफिनेट नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फैसिलिटेटेड। 103 नंबर का जवाब दे रहे हैं सब लोग, बोले हैं बी और डी, वाह क्या बात है, डी मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं। 103 का डी, 103 का डी सही है, ज्यादा सही जवाब है, फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ आवर नेशनल फ्रूट। मतलब फ्रूट तो चलो बताओ, तुम लोग बता ही सकते हो, काफी आसान क्वेश्चन है। अभी तो सीजन भी चल रहा है, ठीक है, मैंगो होता है ना, 104 का ये हो जाएगा मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका जो फ्रूट है हमारा नेशनल फ्रूट होता है। नेशनल रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया कौन है तुम्हारा, इसमें से बताना है। 105, 105 इसमें है क्रोकोडाइल, किंग कोबरा, या वॉल लिजर्ड्स, या टर्टल्स। टर्टल्स क्या हो जाएगा इसमें बता देना है, ठीक है, क्लियर है। चलो 105 पे आ जाओ भाई, तुम लोग अभी उसी पैट की हुई है। बी किंग कोबरा, 105 का है किंग कोबरा। ए भी बोला क्रोकोडाइल ही में, किंग कोबरा है नेशनल रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 106 नंबर, द जूलॉजिकल नेम ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स। बहुत ही बढ़िया झकास क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसको याद रखना भाई, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, अभी भी बहुत हॉट क्वेश्चंस है ये। तो उसमें चलो मैं हिंट दे देता हूँ, तुम्हारा है डॉल्फिन, 106 में, चलो इसमें हिंट दे दिया मैंने, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स है, 106 नंबर क्वेश्चंस, डॉल्फिन है, बट इसमें ऑप्शन बताओ, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम ढूंढना है तुमको। 106 का डी, क्या बात है, क्या बात है, मतलब हिंट देने के बाद ये सिचुएशन है भाई, गधे, ये है पहला नंबर है, प्लेंटेनिस्टिया गैंगेटिका, गंगा में जो डॉल्फिन होता है वो नेशनल्स है तुम्हारे, इसमें आंसर ए हो जाएगा, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 107 नंबर है, जेनरा इन विच हैव ओनली वन स्पेसिस कॉल्ड। एक जेनरा में अगर कोई एक ही स्पेसिस होता है तो हम उसको क्या टर्म्स देते हैं तुम्हारा, ठीक है। 106 के बाद 107 नंबर है, एक जेनरा में अगर एक स्पेसिस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम उसको बोलते हैं मोनोटाइप बोलते हैं, मोनोटाइप ध्यान रखना, मोनोटाइप बोला जाता है तुम्हारे इसमें, क्लियर है। 108 नंबर क्वेश्चंस, 108, द फॉलोइंग आर ऑर्डर एक्सेप्ट, इसमें से जैसे प्राइमेट है, प्लियोमोनेलिस है, पॉलिस है, मेमिलिया, इनमें से एक कोई है जो कि ऑर्डर नहीं है, कौन इसमें से ऑर्डर नहीं है बताना है, 108 नंबर क्वेश्चंस है। तो 108 नंबर क्वेश्चंस में, 108 नंबर क्वेश्चंस में जल्दी बताओ बच्चों, 108 का बताना है, स्टार्ट किया है डी। अरे मैमलिया एक क्लास है, तो ऐसे याद नहीं रह सकते, इसके बारे में पता होना, इसके बारे में तो कन्फर्म है ना, मैमलिया क्लास होता है, तो ऑर्डर में आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है करेक्ट मैच को, और यहाँ पे देख लो ये शुरुआती दौर के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, अब इसमें शुरुआती दौर के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। 108, 108 द सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, एक सौ नौ। अरे ये देख, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, फॉल्स रीजनरेशन लिखा, तो यही गलत है, अच्छा सॉरी करेक्ट बताना है ना, ओके ओके ओके, अच्छा ये इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है तो सही है, फंगस एंड फ्रेगमेंटेशन इसमें कोनिडिया होता है, नहीं ये भी गलत है, और म्यूल फर्टाइल स्टराइल होता है, दैट मीन्स इसमें आंसर ए हो जाएगा, सही बोल रहे बच्चों तुम लोग, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। चलो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा द लिविंग वर्ड समाप्त हो जाएगा, और आगे फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। देखते हैं नया चैप्टर, तो पहले मैं तुम लोगों का इकोलॉजी का क्वेश्चन है, सॉरी इवोल्यूशन का क्वेश्चन बचा हुआ, तो कल इवोल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर इवोल्यूशन का क्वेश्चन करना है तो कल मिलते हैं 6 से 7, इवोल्यूशन के क्वेश्चन के लिए 6 से 7 PM, शाम को भी, सुबह नहीं,
मिलेंगे इसमें, मैच करना 110 नंबर क्वेश्चंस में। यहाँ पे कॉलम वन और कॉलम टू है, चलो एक एक करके दिखाते हैं। देख अभी आया था ना ट्रिटिकम एस्टिवम, तो मतलब ये स्पेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंसेक्टा जो है ये आपका क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और मस्का डोमेस्टिका होता है ना तो ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस्केरेडेसिस ये फैमिलीज को, एसिस आ गया ना फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैच कर लो तो कौन सा आंसर आएगा, तो डी का वन, डी का वन यहाँ है और यहाँ, मतलब ये दो ऑप्शन गए काम से, अब बचता दो ऑप्शन। तो मस्का मतलब ये वाला मिलाते हैं, सी का दो, तो सी का दो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, चलो ए का मिला देते हैं। एनाकेडिस मतलब ए का थ्री, ए का थ्री यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो आंसर ए ही हो जाएगा, 101 का आंसर ए हो जाएगा, सही है ना? ठीक है ना शबनम सुहाना, बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर ये। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। आई होप सभी लोग फिर से दोबारा नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पुराने हैं तो चैनल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करिए बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, ठीक है ना? तो जितना मैक्सिमम शेयर करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहेगा, और आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो और जोशों के जोश के साथ ये करेंगे। आप चाहें तो मुझे बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अब्दुल बायोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है? तो चलो इसी के साथ हम लोग करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।